एक ऐसा प्लेन जो 35 सालों के बाद में धरती पर वापस लौटा, और उस प्लेन को जब खोल कर देखा गया तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल 4 सितंबर 1954 को सेंटिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट TWF513 92 यात्रियों को लेकर जर्मनी से ब्राजील के लिए रवाना हुई। यह 18 घंटों की यात्रा थी, लेकिन उड़ने के कुछ ही समय के बाद में विमान से कनेक्शन टूट गया और ये प्लेन आसमान में कहीं गायब हो गया। इसी कारण सेंटिगो एयरलाइंस को भी बंद कर दिया गया। इसी घटना के 35 साल के बाद में 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के एक एयरपोर्ट में अननोन प्लेन दिखाई दिया, और जब ये प्लेन लैंड हुआ तो इसे देखकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये सेंटिगो एयरलाइंस का वही प्लेन था जो 35 साल पहले गायब हुआ था। जब प्लेन को खोलकर देखा गया तो उसमें कंकाल ही कंकाल थे, जो जहाँ जैसा था वैसा ही बैठा हुआ था। कहा जाता है शायद ये प्लेन किसी टाइम लूप में फंस गया था।